आज डिस्कस करेंगे स्पॉट वेल्डिंग मशीन के बारे में। जो स्पॉट वेल्डिंग मशीन है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पॉट वेल्डिंग मशीन होती क्या है या स्पॉट वेल्डिंग होती क्या है। स्पॉट वेल्डिंग एक तरह की रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है। इसको हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोलते हैं क्योंकि जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो रेजिस्टेंस पे बेस करता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हीट पैदा होती है वो रेजिस्टेंस की वजह से पैदा होती है, जिसके कारण से मेटल फ्यूज़ होता है और आपस में ज्वाइन होता है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो इलेक्ट्रोड हैं, वो सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड हैं, और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं ये कॉपर के हैं, कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं। कॉपर क्यों हमने चूज़ किया, क्योंकि जो कॉपर होता है वो अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली इससे फ्लो कर सकती है। तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में अगर हम कोई दो प्लेट्स रख दें जो आपस में ओवरलैप करती हों, एक दूसरे के ऊपर हों, और इन दोनों के बीच में हम उनको रख दें और करंट की सप्लाई ऑन कर दें, तो क्या होगा, कॉपर से जो करंट है वो आसानी से पास होगा, लेकिन जब वो मेटल प्लेट्स के अंदर से जाएगा तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ पैदा होगा, जहाँ से ये जुड़ी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे पैदा होगा जहाँ से हमने इनको बिल्कुल आपस में जोड़ा है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट पैदा होगी जिससे फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न होने के कारण मेटल जो है मेल्ट हो जाएगा और आपस के अंदर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। तो देखते हैं इसकी मशीन कैसे काम करती है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं वो ये हैं, ये है कॉपर का इलेक्ट्रोड, लेकिन ये है मूवेबल, हम इसको मूव कर सकते हैं, ऊपर और नीचे की तरफ ये मूव कर सकता है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये हमारा इस रोकर आर्म से कनेक्ट है, ये है पाइवट, एक पॉइंट जहाँ से कनेक्ट है। ये सारी रोकर आर्म है, रोकर आर्म, और ये हमारा कनेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास है एयर सिलेंडर, यहाँ पे आप एयर सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं और हाइड्रोलिक सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये एयर सिलेंडर है, मीन्स न्यूमेटिक कंट्रोल रोकर आर्म है, ये इसकी आर्म है, सिलेंडर की आर्म या पिस्टन रोड आप इसको बोल सकते हैं, पिस्टन रोड। जब ये एयर सिलेंडर ऊपर जब इसको फोर्स देगा तो ये रोकर आर्म हमारी इसको ऊपर और नीचे मूव करेगी। तो जो ये मूवेबल होता है कॉपर, जो इलेक्ट्रोड है, ये हमारा प्रेशर को लगाने और रिलीज करने के काम आता है इन प्लेट्स के ऊपर। ये क्या है, वर्क पीसीज हैं जिनके ऊपर हमें वेल्डिंग करनी है। नीचे वाला जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है इसको हम लगभग फिक्स रखते हैं, ऊपर वाले को मूव करते हैं, लेकिन फिर भी हमने इसमें ये अरेंजमेंट दी है। जो ये अरेंजमेंट है ये लोअर आर्म हम इसको बोलते हैं, लोअर आर्म, ये हमारी यहाँ पे स्लाइड कर सकती है, तो ये हमारा स्लाइडिंग क्लैंप होता है। ये किस लिए लगाया होता है, स्लाइडिंग क्लैंप, ताकि जो लोअर आर्म है जिसके ऊपर ये कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा है हम इसको कोई भी पोजीशन दे सकें। तो इसको ऊपर नीचे की हम पोजीशन देके एक जगह फिक्स कर देते हैं, लेकिन जो प्रेशर अप्लाई करता है वो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड करता है इस एयर सिलेंडर के थ्रू, रोकर आर्म के थ्रू। तो हम इन दोनों को अच्छी तरह से पीसीज को टाइट कर लेते हैं, दोनों प्लेट्स को, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच। ये सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे कॉपर के। ये होता है यहाँ पे फुट स्विच, फुट स्विच, जिसको हम पैर से दबा सकते हैं और करंट को अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारा है पूरा कैबिन, जिसके अंदर हमारा ट्रांसफॉर्मर हो सकता है, कंट्रोल पैनल, सारा इसके अंदर होता है। तो ये जो मशीन का कैबिन होता है ये डिपेंड करता है कि हम एसी सप्लाई यूज़ कर रहे हैं या डीसी सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको करंट अप्लाई करते हैं तो जो करंट है इस इलेक्ट्रोड से फ्लो करता है, और उसको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे फ्यूज़न होना स्टार्ट हो जाता है,
रेजिस्टेंस के कारण हीट पैदा होगी, हीट के कारण रेजिस्टेंस, सॉरी हीट के कारण फ्यूज़न होगा, और फ्यूज़न के कारण ये जो दोनों प्लेट्स हैं जुड़ जाएंगी। तो इसको हम बोलते हैं वेल्ड नगट, NUGGET, नगट, वेल्ड नगट हम इसको बोलते हैं, जो हमारा ये फ्यूज़ होता है यहाँ पे और ये आपस में जुड़ जाता है। तो इस तरह से हम बार बार स्पॉट वेल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं प्लेट्स के ऊपर, जितने चाहें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यह स्पॉट वेल्डिंग मशीन या फिर स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, वो हम कैसे यूज़ करते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।